सभी प्रदेशवासियों से ये अपील भी करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जनता स्वतः स्फूर्त इस दौरान अपने घरों में रहे, ये आवश्यक है कि हम इस जन कर्फ्यू के कार्यक्रम को सफल बनाए और हम सब 22 मार्च को सवेरे 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक अपने घरों पर ही रहें। याद रखिए, सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना वायरस आज वैश्विक चिंता का विषय है। इसको नियंत्रित करना ये हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, बड़े कार्यक्रमों का आयोजन ना हो, और भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने कहा है कि जहां विरोध में है वहां कोई आंदोलन प्रदर्शन के कार्यक्रम ना हो। हम सब जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करें। इसलिए आज मैंने भी अपने विधायक मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को अपने निवास पर आमंत्रित किया था, लेकिन मुझे लगा कि समय इस तरह के भोज का आयोजन करना भी समाज के हित में नहीं होगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये सामूहिक भोजन का कार्यक्रम निरस्त करूंगा। मैंने अपने विधायक साथियों से क्षमा मांगते हुए ये फैसला किया है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं, यथासंभव बड़े आयोजनों से बचें और कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में हम सब अपना योगदान दें, प्रधानमंत्री जी के पीछे चलें, ताकि हम स्वयं को बचाएं, समाज को बचाएं, प्रदेश को बचाएं, देश को बचाएं और जगत को बचाएं।